तो गाइज हम निकले थे रामेश्वरम के लिए मदुरई से, जो कि हम पहुंच गए स्टैम्पाम्बन ब्रिज पे। इस ब्रिज को देखने की एक्साइटमेंट क्योंकि बहुत ज़्यादा थी हम लोगों की, और अभी हम उतर लिए हैं इस ब्रिज को देखने के लिए। अभी रात के बज रहे हैं 4। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक माई और चैनल सुमित मिनी ब्लॉग से एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो गाइज अभी हम आ गए हैं रामेश्वरम और हम निकल रहे हैं रामेश्वरम टूर करने के लिए साइट सीन। आज हम लोग मंदिर नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोगों को क्योंकि रात के देर में आए थे 4 बजे और काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, इसलिए लेट हो गया, सुबह उठ नहीं पाए। और 11 बजे की हमारी पैकेज की बस थी जिसने बोला है कि आज मैं साइट सीन आपको 11 बजे कराऊंगा, तो उसी वजह से मंदिर नहीं जा पाए। और अभी हम जा रहे अभी हम साइट सीन के लिए, तो तब तक आप बने रहिए, मैं आपको दिखाऊँगा धनुषकोटी के प्यारे प्यारे नज़ारे, रामेश्वरम का पूरा टूर, कहाँ कहाँ हम जाने वाले हैं ये सब आपको दिखाएंगे। तब तक कि आप मेरे चैनल में बने रहिए और एंजॉय। गाइस ये है नटराज मंदिर, जो कि शिव जी का एक रूप है। इस मंदिर का नाम श्री नटराज मंदिर है और ये मंदिर आपको रामेश्वरम में स्थित है, जो कि छोटा है बट बहुत अच्छा मंदिर है। जो अभी हम मंदिर गए थे वो नटराज मंदिर है, भोलेनाथ का एक रूप है। नटराज भगवान जो है वो भोलेनाथ के ही रूप है। गाइस ये है वो मंदिर, अगर आप रामेश्वरम आए तो यहाँ पे एक बार विजिट करें, काफ़ी अच्छा छोटा सा मंदिर है लेकिन काफ़ी अच्छा है और अच्छी जगह है। हमने ले लिया है नारियल पानी क्योंकि थकान बहुत फील हो रही थी, इसलिए थोड़ा नारियल पानी पियेंगे। और फिर सामने एक मंदिर है तो उसमें भी जाएंगे, जस्ट नटराजन भगवान के मंदिर के सामने ही ये मंदिर है। अभी मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ। लक्ष्मण जी का मंदिर है ये, लक्ष्मण जी। मंदिर के राइट साइड पे ताल भी है। तो गाइज हमने रास्ते में किए हैं 2-3 मंदिरों के दर्शन, और दर्शन करने के बाद अब हम निकल लिए हैं धनुषकोडी की तरफ।
हैं उस टावर से। फिर मैं रूम पे जाऊंगा तो वो टावर दिखाऊंगा, अपने रूम के बिल्कुल पास है वो टावर। और अभी हमारी बस पार्क हो रही है और ये व्यू बहुत सुंदर। तो गाइज अभी हम एक मंदिर आए हुए हैं जो कि समुद्र तट पे बनी हुई है और ये समुद्र का चारों तरफ पानी ही पानी। और आपको दिखाएं काफ़ी अच्छा रोड यहाँ पे, बहुत ही प्यारा पिकनिक स्पॉट, मंदिर भी है। ये मंदिर है यहाँ पे, नारियल पानी वगैरह पी सकते हैं। अच्छा अच्छा है, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे खाने को, बहुत प्यारा। मैंने तो नारियल पानी अभी आपको टेस्ट करके दिखाया था क्योंकि नारियल पानी में काफ़ी ज़्यादा टेस्ट था। और हमारे जो सिटीज़ में नारियल पानी मिलते हैं उनसे काफ़ी अलग नारियल पानी है, इसका टेस्ट काफ़ी अलग है। और गाइस देखिए व्यू कितना प्यारा, फोटो जल्दी जल्दी। इसी तट पे बना हुआ मंदिर, आपको ले चलते हैं अंदर की ओर दिखाते हैं। उठान धरामर टेम्पल, तो गाइस मंदिर के अंदर दर्शन हो गए हैं। मंदिर में श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी, बजरंगबली सभी जी की नजर पड़ती है। गाइस आपको दिखाते हैं राम सेतु पत्थर तैरता हुआ। ये अच्छा किया है कि रेत पे मैट बिछाए, वरना चलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वो लिए तो है देखो ना। तो गाइस राम सेतु पत्थर, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये क्या पत्थर है? एक ही पत्थर है, भाग्य पत्थर नहीं चल जाएगा। अच्छा वेट भी अच्छा लगता है, पर वो राम वाला पत्थर नहीं मिला कहीं जिस पे राम मैंने बनाई है ये भवन ने, और बाकी सब ऐसे हजारों शिवलिंग्स यहाँ पर। काफ़ी सारे फोटोशूट, क्योंकि मौसम देख के किसका मन नहीं होगा फोटोशूट कराने का, तो हम लोगों ने फटाफट फोटोशूट कराया। ये हमारा नेक्स्ट व्लॉग जल्दी आएगा वापस, तब तक के लिए बाय।